देखिए लगातार बोकारो स्टील सिटी के तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुदूर गांव में भी हम लोगों ने आपको जाकर वो तस्वीरें दिखाया कि किस तरह लोगों में उत्साह है। इस समय हम लोग बोकारो विधानसभा के उच्च विद्यालय रानी पोखर में आ गए हैं, जहां पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। तमाम लोगों के चेहरे पर एक खुशी नज़र आ रही है। ये आदर्श बूथ है, यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है। तमाम जो वोटर आ रहे हैं उनको सहयोग भी किया जा रहा है। हमारे साथ एक महिला, यहाँ की व्यवस्था को लेकर कितनी अच्छा है, शांतिपूर्ण हुआ है। सुबह हम आ करके बहुत अच्छा से वोट दिए हैं और अभी भी शांतिपूर्ण से हो रहा है। जब वोट देने घर से निकले थे तो जहन में क्या था, किस मुद्दे को लेकर वोट देने के लिए आए थे, क्या कैसा विधायक चाह रहे थे? अच्छा, जो अच्छा काम करे, हमारे लिए अच्छा काम करे, सबके लिए अच्छा काम करे। हमारे लिए क्यों, सबके लिए अच्छा काम करे, देश का विकास हो। जैसे हम लोग स्वस्थ रहना चाहते तो स्वस्थ के लिए अच्छा होना चाहिए, ये विचार होना चाहिए। अच्छा, अगले बार वोट करने आए थे? हाँ। तो अगले बार और इस बार में क्या अंतर? नहीं, हम तो हर एक बार हम बोकारो में रहने वाले हैं, लेकिन हम बोकारो से आते नहीं, हम दूर से ही आते हैं, लेकिन ये वोट देने ही आते हैं। कहाँ जाते हैं? हम कभी कलकत्ता में रहते हैं, कभी शिलोंग में रहते हैं, इस तरह से हम आते रहते हैं। देखिए, एक उत्साह हमारे अंदर में है कि देना चाहिए। अच्छा, सभी को वोट देना चाहिए। अभी तक का जो रिपोर्टिंग है उसमें वोट बहुत कम हुआ है, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप कलकत्ता शिलोंग से चलकर आ रहा है, जो घर में बैठकर आपको दे नहीं, नहीं, ये गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए। अपना अधिकार है, अपना अधिकार को अपने हिसाब से लेना चाहिए। तो सुना आपने, बोकारो स्टील सिटी में देखने वाले तमाम दर्शकों के लिए ये महिला सीख है, इन्हें देख कर सीखे। इतनी उम्र होने के बाद भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए कलकत्ता और शिलोंग, जब भी कभी कलकत्ता में रहा करती है या शिलोंग में रहा करती है, तो वहाँ से चलकर अपना मत का प्रयोग करने के लिए बोकारो स्टील सिटी आती है। मात्र एक वोट करने के लिए इतनी दूर से आती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके वोट की कीमत क्या है।